आज की वीडियो में बात करेंगे कि जो एमपी भूलेख का जो पोर्टल है उस पर आप जो भी आवेदन करते हैं, चाहे वो भू अधिकार पुस्तिका के लिए हो या खसरा के लिए हो या नक्शा के लिए, जो भी आपके आवेदन रहते हैं और उसमें आपका पेमेंट कट जाता है, और उस पेमेंट कटने के बाद भी आपके पास कभी कभी सर्वर इशू के चलते जो आपका जो पीडीएफ फाइल है वो आपका डाउनलोड नहीं हो पाता है, तो उसके लिए क्या करना है आपको? तो इसके लिए आप क्या करेंगे, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो बात करें, अगर आपने कोई भू अधिकार पुस्तिका के लिए यहाँ से आवेदन किया है और अगर आपका वो पेमेंट कट गया है और आप उसको डाउनलोड नहीं कर पाए और उसका जो यहाँ से पोर्टल अलग आ गया, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर देखें भू अभिलेख प्रतिलिपि डाउनलोड, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर आपने कोई भी आवेदन किया होगा यहाँ पे खसरा की प्रतिलिपि, B1 की प्रतिलिपि, खातावार खसरा की प्रतिलिपि या नक्शा की प्रतिलिपि या भू अधिकार पुस्तिका की प्रतिलिपि, तो अगर आपने इनमें से किसी के लिए भी आवेदन किया होगा तो आपका यहाँ पे ये शो होने लगेगा, यहाँ से ये शो होने लगेगा। अगर ये यहाँ पर शो नहीं हो रहा है तो अगर आपको और पेमेंट कट गया तो आपको इसके लिए यहाँ पर कम से कम यहाँ से जो अधिकारी हैं कि यहाँ पे इस नंबर पे आप कॉल कर देख सकते हैं, ये अधिकारी बोलते हैं कम से कम यहाँ पे 7 दिन का वेट करें। तो अगर आपका पेमेंट कट चुका है और अगर आप ये पुस्तिका ऋण पुस्तिका या जो भी है खसरा उसका आप पीडीएफ डाउनलोड अभी नहीं कर पाए, तो आपका यहाँ से जो अधिकारी हैं ये बोलते हैं कि यहाँ पर आपको 7 दिन तक वेट करना पड़ेगा। 7 दिन के बाद आपका जो भी रहेगा वो या तो आपका जो 7 दिन के अंदर अंदर आपके जो पीडीएफ फाइल है वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, और अगर आप डाउनलोड नहीं कर पाएंगे तो आपको आपका जो भी वॉलेट रहता है यहाँ पे देखें यहाँ पे वॉलेट रिचार्ज, तो आपका जो भी पेमेंट रहेगा जितना भी आपका पेमेंट कटा है यहाँ पे, जैसे भू अधिकार के लिए 45 रुपये कटता है और इसके खसरा के लिए बात करें 30 रुपये कटता है जो भी, तो वो जो भी पेमेंट आपका कट रहेगा वो आपके यहाँ पे वॉलेट में आ जाएगा और आप उसका यूज दूसरे काम के लिए यहाँ पर कर सकते हैं। तो इस तरह आप अपना जो भी पोर्टल है उसको यहाँ से मेंटेनेंस कर सकते हैं। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।